इस बीच बड़ी खबर मुंबई से आती हुई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस बल्कि कहिए, दोनों की ही लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। खबर यह है कि पटना पुलिस को मुंबई पुलिस थाने ले गई है। अभी तक टकराव की स्थिति जरूर बनी हुई थी, अंधेरी क्राइम ब्रांच ले गई है मुंबई पुलिस को खुलकर, यानी लड़ाई जो बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस की चल रही थी वो सामने आ गई है। पटना पुलिस को थाने ले गई है मुंबई पुलिस, और तस्वीरें भी उसी की देख रहे हैं दिवेश। अंधेरी क्राइम ब्रांच दफ्तर ले गई है मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को, क्या हो रहा है? अंजना जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा जो कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है। बिहार पुलिस के जो अफसर थे अंधेरी क्राइम ब्रांच जैसे असिस्टेंट की, लोकल पुलिस के असिस्टेंट की मदद मांगने, उसके लिए लेटर देने के लिए बाहर बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए थे, बहुत ज्यादा संख्या में मीडिया कर्मी जमा हो गए थे। उनसे बचकर निकलने के लिए बिहार के पुलिस अफसरों ने अपील की मुंबई पुलिस के अफसरों से कि हमें यहाँ से निकलने में थोड़ी मदद करिए। इसी वजह से वो अपनी गाड़ी में बिठा जी। अगली खबर का रुख करते हैं, ये भी बड़ी खबर आ रही है। सिद्धार्थ पिटानी, वही दोस्त जो सुशांत सिंह राजपूत के थे, वो एक बार फिर से सामने आकर तमाम बातें कह रहे हैं, और अभी तक जो उनका कहना है वो ये है, बड़ा खुलासा उन्होंने किया है घटना के दिन सुशांत की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में बता रहे हैं। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी का खुलासा है ये, घटना के दिन सुशांत के कुक ने हमें जानकारी दी थी, ये उन्होंने बात बताई है। सुशांत के साथ ही उनके घर में सिद्धार्थ रहते थे, इसीलिए उनका जो भी जानकारी वो देख रहे हैं उसे अहम माना जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि घटना के दिन कुक ने हमें जानकारी दी थी, उसके बाद वो बता रहे हैं कुछ देर के बाद हमने सुशांत को मृत पाया। इसके आगे वो कह रहे हैं कि दीपेश और केशव ने सुबह सुशांत को देखा था, सुशांत के साथ ही रहते थे सिद्धार्थ पिठानी, कभी नहीं सोचा था कि सुशांत सुसाइड करेंगे, ये सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं। और क्या कुछ कहा है सुनिए। उस दिन आपको बता सकते हैं क्या था सुशांत का बिहेवियर, क्या चल रहा था, कुछ लग रहा था आपको? मैंने देखा वो इसी एक्चुअली उस दिन रात को जब मैं अपना काम खत्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक, तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो, जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज़ ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी, मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा करके मैं उनको उनके रूम में छोड़ा। आपको सुबह कैसे पता चला? जनरली सुबह उठ के अपना एक रूटीन होता था कि सुबह हम लोग उठ के नीचे आते हैं, क्योंकि रात को हम लेट सोते हैं, मुझे लेट सोने की आदत है, तो मैं सुबह उठता हूँ और सीधा नीचे आता हूँ, ब्रश वश करके मैं अपना गाने चलाता हूँ, और जब मैं पूरा जग जाता हूँ प्रॉपरली देन आई गो मीट सुशांत। तो मैं अभी बैठा ही था और कुछ मैं अपना वीडियोस कुछ देख रहा था ऑनलाइन, तो केशव में जो खाना बनाते हैं उन्होंने आके मुझे बताया कि सर का दरवाज़ा बंद है। केशव जो कुक था उसने इन्फॉर्म किया, फिर क्या किया आप? तो मैं और दीपेश और ये सब गए ऊपर चेक करने के लिए, कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता उनका जनरली, तो अभी कैसे बंद हुआ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मिला था सर से, अर्ली मॉर्निंग सर आके दीपेश से मिले हैं और केशव और सब जो रेगुलर काम वो लोग करते थे उन्होंने वो सब कराए, फिर उनके वो अपने रूम में जाके लॉक कर लिया, फिर हम वी स्टार्टेड नॉकिंग, बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था, मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा, ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड, सो वी कॉल फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। अब यहाँ पर सिद्धार्थ एक बड़ा सवाल है, रेहा के बारे में काफ़ी बात हो रही है, रेहा और उनके रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का इलाज चल रहा था उनका,
इसके बारे में क्या पता है? डिप्रेशन का इलाज उनको चल रहा था क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर आते थे, मिलते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, मेडिसिन वगैरह देते थे, एंड वो जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन है ना, इट वॉज गिवन बाय अ डॉक्टर लाइक हु इज लाइक ट्रस्टेड बाय सुशांत एंड रिया बोथ. सो उनके जो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर दवाई थी, जो कोर्स होता था जब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में, जब भी सुशांत वो खाना खाते थे हम लोग जाके उनको बॉल में दवाई वगैरह दे देते. वी ऑल नो कि वो ये कौन सा मेडिकेशन है और डायग्नोसिस क्या था, आई हैव नो आइडिया अबाउट. आई नो दैट दिस गाय इज अ साइकियाट्रिस्ट, ही इज कमिंग इन टू द हाउस, ही हैज अ नेम लाइक एंड ऑल. तो साइकियाट्री का ही कोई दवाई होगा करके हम लोग उनको दे देते. वी हैड ट्रस्ट इन दैट मेडिकेशन. नाउ दिस कंट्रोवर्सी सराउंडेड उनके पर्सनल लाइफ को लेके जो है चल रहा है, काफ़ी अलग अलग तरीके से आरोप प्रत्यारोप, पैसे का लेन देन, क्या अचानक से हुआ? रिया पहले रहती थी आप लोगों के साथ, फिर छोड़ के चली गई? सी उनके, मैं सुशांत के साथ एज अ फ्रेंड मैं उनके घर पे रहा, फिर बहुत एज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम लोग रख करते थे. सुशांत ने बोला फर्स्ट रूल दैट ही हैड ओनली वन रूल इन द हाउस. जनरली आप किसी काम करने ज्वाइन करने जाते हो तो दे आस्क यू विद लॉट ऑफ क्वेश्चन, तुम्हारा क्रेडिबिलिटी क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे वो क्या है, क्या ही आस्क मी वन क्वेश्चन, वी हैव टू ट्रीट ईच अदर विद रेस्पेक्ट. अगर वो रेस्पेक्ट नहीं है सो यू कैनॉट फंक्शन इन दिस सिस्टम करके उन्होंने ये बोला था. नाउ इसी बात को लेके मैं रिया और सुशांत के बीच में जो भी था, आई यूज टू एज एन ऑब्जर्वर मैं दूर से ही देखता था क्योंकि आई नेवर क्वेश्चन्ड देयर रिलेशनशिप, तुम कैसे रिलेशनशिप है तुम्हारा, क्योंकि आई हैड माई ओन हेडेक्स टू डू राइट लाइक, एंड आई हैव गिवन देम देयर स्पेस, दे आई रेस्पेक्टेड द प्राइवेसी. सो आई नेवर आस्क्ड देम कि आर यू गोना गेट मैरिड और यू नो वेयर इज योर रिलेशनशिप गोइंग, ऑल दीज क्वेश्चन मैं कभी उनसे पूछा भी नहीं. कभी आपने इन दोनों के बीच में कोई तनाव महसूस किया कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, कुछ स्थिति सही नहीं है? क्योंकि हर रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो उनके लड़ाई झगड़ा वगैरह तो होता ही रहता है, एंड लाइक कभी कभी कुछ इंसिडेंसेस में रूट जाना वगैरह मैंने दूर से नोटिस करा है, लेकिन व्हाट लेड हर टू डू रूट ना उनको क्यों हुआ ऐसा मैंने कभी पूछा नहीं क्योंकि आई हैड माय डिस्टेंस विद दैट. क्या रिया ने हाल फिलहाल में आपसे बात की है, कोई कांटेक्ट हुआ है उनसे? नहीं सर, रिया ने मुझे बात नहीं करा था. अभी पहले ही एक लाइक स्टेशन में हम लोग मिले थे, बस आजू बाजू बैठे थे, दूर से ही बात करके हम लोग. सो आपके पास आपकी रिया से कोई कांटेक्ट नहीं है?